सिरमौर जिला में शिलाई उपमंडल के कांडू भटनूर में NH-707 पर बारिश के दौरान देवदार का बेशकीमती जंगल तबाह हुआ है। यहां पर करीब 700 से 800 पेड़ भूस्खलन की भेंट चढ़ गए हैं। NH-707 पौंटा साहिब शिलाई गुम्मा का करीब 1350 करोड़ की लागत से विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां वैज्ञानिक तरीके से सड़क की कटिंग की जा रही है, जो भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह है। आरोप है कि लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण जहां वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, वहीं कई स्थानों पर लोगों के मकान गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं NH निर्माण में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है और अभी से सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती है। ये देख लीजिए, ये भटनोल का देवदार का जंगल है और इसमें NH-707 जो यहाँ पर रुदनम कंपनी के नाम से काम कर रही है, उनका इस जंगल को तबाह करने में बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कम से कम 700 देवदार के पेड़ नष्ट हो चुके हैं इसमें, और आगे रोड के क्या हाल है, सारा टूट रहा है, दीवारें गिर गई है। NH वालों का कितना अच्छा काम है ये सब जानते हैं। यहाँ मतलब लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है और सरकार का खास तौर पे देख लीजिए, कितना बड़ा जंगल था और सारा का सारा लगभग 700 पेड़ यहाँ पे आप आगे जाके देख सकते हैं जो कि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। जो इनकी ये दीवारें वगैरह है ये भी सारी टूट गई है, ढंग की कोई भी दीवारें या डंगे नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है।